Welcome back to my YouTube channel Leverage Academy. So if you are new here, please subscribe to this channel, like these videos and share with your friends. तो चलो start करते हैं हमारा practice set, sorry problem set 4B. अभी तक हमने problem set 4A के सारे question solve कर लिए. अब solve करते हैं problem set 4B. तो question number 1 क्या है हमारा MCQ. Write the correct alternative for the following question. तो MCQ हमें solve करना है. तो one question number 1 में क्या दिया है? If the FV मतलब face value. तो if the face value of a share is 100 rupees and market value is 75 rupees, then which of the following statement is correct? तो देखो, अब यहाँ क्या हुआ है हमारा? Face value is greater than market value. क्योंकि face value 100 है, market value 75. तो face value is greater than market value. ऐसी situation होगी तो क्या मैंने बताया था आपको? अगर फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू से ज्यादा होगी तो वो शेयर क्या हो जाएगा? शेयर इज एट डिस्काउंट. तो वो भी कैसे कैलकुलेट करेंगे? फेस वैल्यू माइनस कितने डिस्काउंट में मिल रहा है? फेस वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू. तो डिस्काउंट अमाउंट में आएगी कि वही शेयर कितने डिस्काउंट में बिक रहा है. तो देखो 100 माइनस 75, तो 100 माइनस 75 क्या आ जाएगा आंसर आपका? 25. तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? द शेयर इज एट डिस्काउंट ऑफ 25 रुपीज. तो नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन नंबर वन, प्रॉब्लम नंबर वन का आंसर है बी, दैट इज शेयर इज एट डिस्काउंट ऑफ 25 रुपीज. देन सेकंड सब क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड पर शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज एंड द डिविडेंड डिक्लेयर इज 50%. तो हमें डिविडेंड कैलकुलेट करना है. तो देखो डिविडेंड हमेशा किस पे लगता है? फेस वैल्यू पे. तो 50% ऑफ फेस वैल्यू दैट इज 10 रुपीज, मतलब 50% मतलब 50 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 10. तो करो कैलकुलेशन, 1 0 1 0 कैंसिल, ये भी 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ 5. तो 50% ऑफ 10 रुपीज इज 5 रुपीज. क्या आ जाएगा डिविडेंड आपका? 5 रुपीज. तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 5 रुपीज. देन देखो थर्ड क्वेश्चन, देन एनएवी ऑफ अ यूनिट नेट एसेट वैल्यू, ये हमने म्यूचुअल फंड में देखा था. तो नेट एसेट वैल्यू ऑफ अ यूनिट इन अ म्यूचुअल फंड स्कीम इज रुपीज 10.65. तो देखो एक यूनिट की वैल्यू कितनी दी है हमें? 10.65 रुपीज. देन फाइंड द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बाय 500 सच यूनिट्स. तो देखो एक शेयर की, एक यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 500 यूनिट्स खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपली कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 500. तो 10.65 इंटू 500 कैलकुलेशन करके देख लो क्या आ जाएगा आपका आंसर? 5325.00. तो मतलब आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 5325 रुपीज. तो नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन नंबर वन का ऑप्शन नंबर बी आंसर है, सेकंड का ऑप्शन नंबर बी दैट इज 5 रुपीज, थर्ड का ऑप्शन नंबर ए दैट इज 5325 रुपीज. तो नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे बचे हुए 2 MCQs. देखते हैं हमारे लास्ट 2 MCQs. तो फोर्थ MCQ क्या दिया है? रेट ऑफ GST ऑन ब्रोकरेज इज. तो GST ऑन ब्रोकरेज हमने थ्री पार्ट में क्या देखा था? ब्रोकर जब ब्रोकरेज चार्ज करता है उस पर कितने परसेंट का GST उसको पे करना पड़ता है? 18% का GST गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, ये थ्री में देखा था. तो रेट ऑफ GST ऑन ब्रोकरेज इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट इज 18%. फिफ्थ, टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन शेयर एट अ टाइम ऑफ बाइंग द अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज एंड GST टू बी --- द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर. मतलब हमें क्या करना पड़ता है फॉर्मूले के लिए? तो देखो परचेस वैल्यू, जब हम परचेस वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं? ब्रोकरेज एंड GST, तो ब्रोकरेज एंड GST ये किसमें ऐड करते हैं? मार्केट वैल्यू में ऐड करते हैं. इन दोनों की वैल्यू मिला के ही हमें परचेस अमाउंट बनती है हमारी, ये फॉर्मूला बनता है हमारा परचेस फॉर अ वन शेयर का. तो कॉस्ट ऑफ वन शेयर एट द टाइम ऑफ बाइंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ब्रोकरेज एंड GST टू बी एडेड, यहां आ जाएगा एडेड टू द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर. मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एडेड टू. तो लिखो फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी एंड फिफ्थ का ऑप्शन नंबर ए दैट इज एडेड टू. तो देन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड. तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या दिया है? फाइंड द परचेस प्राइस ऑफ अ शेयर ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपीज
इफ इट इज एट प्रीमियम ऑफ 30 rupees, द रेट ऑफ ब्रोकरेज इज 0.3 rupees. तो देखो हमें क्या दिया है, फेस वैल्यू, दैट इज फेस वैल्यू कितनी दी है हमें, 100 rupees. तो 100 rupees है हमारी फेस वैल्यू. देन शेयर इज एट प्रीमियम ऑफ रुपीज 30, तो प्रीमियम भी कितना दिया है 30 rupees का. प्रीमियम इज इक्वल टू 30 rupees. अब हमें जब शेयर परचेस करना होता है तो हमें क्या चाहिए होता है, मार्केट वैल्यू. तो इस दोनों से हम मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हमने ये पहले देखा था. तो मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम. तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, ये वैल्यू बनेगी हमारी मार्केट वैल्यू. तो फेस वैल्यू कितनी है 100 rupees, प्लस प्रीमियम कितना है 30 rupees. तो टोटल मार्केट वैल्यू क्या बनेगी हमारी, 130 rupees. तो नोट डाउन कर लो, मार्केट वैल्यू आ गई हमारी 130 rupees. अब नेक्स्ट सेंटेंस में क्या दिया था, रेट ऑफ ब्रोकरेज इज 0.3%. तो रेट ऑफ ब्रोकरेज किस पे लगता है, रेट ऑफ ब्रोकरेज लगेगा मार्केट वैल्यू पे. तो ब्रोकरेज, तो देखो डिविडेंड किस पे लगता है, फेस वैल्यू पे. ब्रोकरेज किस पे लगता है, मार्केट वैल्यू पे. तो ब्रोकरेज ऑफ 0.3% ऑन किस वैल्यू पे, मार्केट वैल्यू, दैट इज 130 rupees. तो क्या हो जाएगा, 0.3% ऑफ 130, मतलब 0.3 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 130 rupees. ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे. देन 13 इनटू 0.3 अपॉन 10 बचेगा. 13 इनटू 3 कर दो 39. ये पॉइंट एक इधर आ जाएगा यहाँ, और डिवाइडेड बाय 10 मतलब टोटल पॉइंट यहाँ बन जाएगा, मतलब 0.39. 0.3% ऑफ 130 rupees इज 0.39%, मतलब ये बनेगा हमारा ब्रोकरेज वैल्यू. तो यहां लिखता हूं ब्रोकरेज, ब्रोकरेज इज इक्वल टू 0.39 rupees. ये बना हमारा ब्रोकरेज. हमें क्या पूछा गया था, परचेस प्राइस ऑफ शेयर. तो फाइनली परचेस प्राइस करते वक्त हमें क्या ऐड करना पड़ता है, मार्केट वैल्यू एंड ब्रोकरेज, जैसे कि हमने 5th MCQ में देखा था. तो परचेस वैल्यू ऑफ शेयर, परचेस वैल्यू ऑफ शेयर, क्या बताया मैंने फॉर्मूला, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज. शॉर्ट में लिखता हूं ब्रोकरेज. तो मार्केट वैल्यू कितनी है आपकी, तो देखो मार्केट वैल्यू है 130 rupees, प्लस ब्रोकरेज कितना है 0.39 rupees. तो ऐड कर दो 130.39 rupees, 130.39 rupees. ये बनेगी आपकी परचेस अमाउंट फॉर दैट शेयर. तो नोट डाउन कर लो ये चीज, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर. तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्या दिया है, प्रशांत बॉट 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 rupees हैविंग मार्केट वैल्यू 180 rupees. कंपनी गेव 40% ऑफ डिविडेंड ऑन शेयर, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. तो देखो अब फेस वैल्यू कितनी गिवन है हमें, फेस वैल्यू गिवन है दैट इज 100 rupees. देन अब उसने कितने शेयर्स खरीदे, नंबर ऑफ शेयर्स 50 shares इज इक्वल टू 50 shares. देन उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 180 rupees. तो देखो अब मैं टोटल इन्वेस्टमेंट निकाल सकता हूं कि उस प्रशांत ने कितने पैसे अपने इन्वेस्ट किए. कैसे निकालूंगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू. तो पहले तो करते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट शॉर्ट में लिखा है, फुल फॉर्म लिख लो, टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, दैट इज क्या हो जाएगा 50 into 180. तो ये दो जीरो अलग से लिख लो, 5 into 18 क्या हो जाएगा 90. तो प्रशांत का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 9000 rupees. अब देखो कंपनी डिविडेंड कितना दे रही है, तो डिविडेंड दे रही है 40%. तो कंपनी गेव, कंपनी गेव कितना परसेंट, 40% ऑफ डिविडेंड, 40% ऑफ डिविडेंड. सो पहले एक शेयर के लिए निकालते हैं, देन 50 शेयर्स के लिए निकालेंगे. तो फॉर वन शेयर तो एक शेयर के लिए कितना हो जाएगा, देखो नंबर ऑफ शेयर्स 50 है, तो मैंने क्या बताया था पहले, डिविडेंड किस पे लगता है, फेस वैल्यू पे. तो
40% ऑफ फेस वैल्यू कितनी हमारी एक शेयर की 100 रुपीज, 40% ऑफ 100 रुपीज। तो 40% ऑफ 100 कैसे कैलकुलेट करेंगे, 40% मतलब 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, तो 2 0 2 0 कैंसिल, क्या बचेगा 40 रुपीज। तो 40% ऑफ 100 इज इक्वल टू 40 रुपीज, तो एक शेयर पे 40 रुपीज उसको डिविडेंड मिल रहा है। तो टोटल डिविडेंड क्या हो जाएगा, टोटल डिविडेंड डिविडेंड इज इक्वल टू क्या करेंगे आप, नंबर ऑफ शेयर इंटू डिविडेंड कितना, एक शेयर के लिए कितना था 40 रुपीज, तो 50 शेयर के लिए डिविडेंड कितना बनेगा 40 इंटू 50। तो करो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 20, और ये 2 0 अलग से, तो 2000 उसका बनेगा डिविडेंड, टोटल डिविडेंड 2000 बनेगा एंड टोटल इन्वेस्टमेंट 9000 रुपीज। अब रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला हमें पता है, तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, डिविडेंड अपॉन, एक मिनट थोड़ी सी, रेट ऑफ रिटर्न ROR, रेट ऑफ रिटर्न, तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या था हमारा, डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100, शॉर्ट में लिखा है। तो डिविडेंड कितना बन रहा है हमारा, देखो टोटल डिविडेंड 2000 डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है बनने की 9000 रुपीज इनटू 100, तो देखो 2 0 2 0 कैंसिल एंड 1 1 0 यहां से कैंसिल, तो 200 अपॉन 9, इसका कैलकुलेशन कर दो आपको मिलेगा 22.22%। तो मैंने क्या बताया था, हमेशा रेट ऑफ रिटर्न्स किस में होता है, परसेंटेज में, तो रेट ऑफ रिटर्न कितना बनेगा प्रशांत के लिए 22.22%। तो यहां सेंटेंस में आप लिख लो, द रेट ऑफ रिटर्न फॉर दैट कंपनी इज 22.22%। तो नोट डाउन दिस आंसर। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड व्हेन 300 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपीज वेर सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 30 रुपीज। तो देखो अब कितनी है फेस वैल्यू शेयर की, शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपीज। तो देखो 100 रुपीज की फेस वैल्यू है एक शेयर की, एंड उस बंदे ने कितने में डिस्काउंट में बेचा है, 30 रुपीज के डिस्काउंट में, डिस्काउंट ऑफ, डिस्काउंट इज इक्वल टू 30 रुपीज, सॉरी 30% नहीं 30 रुपीज, डिस्काउंट 30 रुपीज का, एंड नंबर ऑफ शेयर्स कितने 300, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 300 शेयर्स। तो देखो टोटल 300 शेयर्स है, तो अमाउंट रिसीव्ड कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए होगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। देखो हम टोटल इन्वेस्टेड इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते वक्त क्या करते थे, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, ये हमारा फॉर्मूला रहता था, ये टोटल इन्वेस्टमेंट के वक्त था। अब वही शेयर्स उसने बेच दिए, तो कहां किस वैल्यू पे बेचे होंगे, अक्सर की जो कि मार्केट में अभी वैल्यू चल रही होगी उस पे उसने शेयर बेच दिए। तो हमें पहले तो मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, देन टोटल अमाउंट रिसीव्ड हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखो अब फॉर मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, तो देखो अब डिस्काउंट में बेचा है कितने, 30 रुपीज के डिस्काउंट में बेचा है, मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। तो इसका मतलब क्या है, फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो हमने क्या देखा था, वो शेयर इज एट डिस्काउंट चल रहा है, तो मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने में क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। तो देखो फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपीज माइनस डिस्काउंट कितना दिया उसने 30 रुपीज का, तो मार्केट वैल्यू क्या बनेगी हमारी 70 रुपीज, 70 रुपीज बनेगी हमारी मार्केट वैल्यू। अब हमें क्या कैलकुलेट करना था, अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ सेल। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट रिसीव्ड व्हेन दीज शेयर्स आर सोल्ड। तो अमाउंट रिसीव्ड रिसीव्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू,
तो देखो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 300 इंटू मार्केट वैल्यू भी कैलकुलेट की 70, तो 7 इंटू 3 कर दो 21, देन कितने रिमेनिंग कितने जीरो बचे, एक दो एंड यहाँ तीन, तो डायरेक्टली लगा दो, तो वैल्यू क्या बन गई है हमारी 21,000 रुपीज। तो इतनी अमाउंट मिलेगी। तो यहाँ नीचे सेंटेंस में लिखो द अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ सेल इज 21,000 रुपीज। तो नोट डाउन दिस आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स रिसीव्ड व्हेन 60,000 वाज इन्वेस्टेड इन द शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपीज एंड मार्केट वैल्यू 120 रुपीज। तो देखो हमने क्या कैलकुलेट करना है, अभी नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या करते थे हम, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। अब हमारे पास क्या है, मार्केट वैल्यू भी है, टोटल इन्वेस्टमेंट भी है। तो नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो ये मल्टीप्लीकेशन में, यहां आ जाएगा तो डिविजन में, तो टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। तो यही हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। चलो लिखते हैं, गिवन क्या है हमें, गिवन फेस वैल्यू दी है हमें 100 रुपीज, जिसकी जरूरत भी नहीं है। देन मार्केट वैल्यू दी है हमें 120 रुपीज एंड टोटल इन्वेस्टमेंट दिया है 60,000। टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 60,000। तो देखो अब बाय फॉर्मूला भी लिख देता हूं, इससे ही आपको समझ में आएगा। तो चलो टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। तो देखो टोटल इन्वेस्टमेंट शॉर्ट में लिखता हूं, डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 60,000 अपॉन मार्केट वैल्यू कितनी दी है हमें, 120। तो देखो 1010 कैंसिल हो गया, देन अब यहाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 6 एंड यहाँ 3000। तो यहाँ डिवाइड कर लो 6500। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, 500 शेयर्स। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स रिसीव्ड कितने शेयर्स मिले हमें, 500 शेयर्स। तो सेंटेंस में लिखना टोटल नंबर ऑफ शेयर्स रिसीव्ड इज 500 शेयर्स। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो श्रीमती मीता अग्रवाल इन्वेस्टेड 10,200 व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर वाज 100 रुपीज। तो देखो उसने 10,200 रुपीज इन्वेस्ट किए जब मार्केट वैल्यू कितनी थी, 100 रुपीज थी। तो देखो अब शी सोल्ड 60 शेयर्स व्हेन द मार्केट वैल्यू इज 125। तो 60 शेयर्स उसने 125 मार्केट वैल्यू थी तब बेच दी। देन एंड द रिमेनिंग शेयर्स व्हेन द मार्केट वैल्यू इज 90। जो रिमेनिंग शेयर्स थे वो किसमें बेच दिए, 90 रुपीज वैल्यू में बेच दिए। देन शी पेड ब्रोकरेज ऑफ 0.1% फॉर ईच ट्रेडिंग, फाइंड वेदर शी मेड प्रॉफिट और लॉस, हाउ मच। तो देखो उसने प्रॉफिट बुक किया या लॉस किया वो हमें कैलकुलेट करना है, और वो लॉस या प्रॉफिट अमाउंट भी कैलकुलेट करनी है। तो देखो अब हमें पहले तो नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट भी है एंड मार्केट वैल्यू। तो पहले तो क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स। तो देखो फर्स्ट पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने के बाद क्या करना पड़ेगा कि 0.1% उसको ब्रोकरेज चार्ज हुआ है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने मिलेंगे उस पे 0.1% ब्रोकरेज हमें लगाना पड़ेगा, वो क्या बनेगी, टोटल इन्वेस्टमेंट। तो देखो टोटल इन्वेस्टमेंट। देन थर्ड क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो नंबर ऑफ शेयर्स थे उसमें से 60 शेयर्स उसने इस दाम में बेच दिए। तो 60 × 125 शेयर्स जो अमाउंट बनेगी उसको एक्स पकड़ लो। देन रिमेनिंग शेयर्स होंगे वो यहां कैलकुलेट करेंगे, रिमेनिंग शेयर्स इनटू किसमें, कितने में बेचे, 90 रुपीज में, ये वाई कैलकुलेट हो जाएगा।
तो नंबर ऑफ अमाउंट रिसीव्ड कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई। रफ लॉजिक बता रहा हूं आपको, हम अच्छे से करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व। तो देखो x प्लस वाई प्लस उस पे ब्रोकरेज अमाउंट दैट इज 0.1%, तो ये अमाउंट उसको रिटर्न में मिलेंगे, अमाउंट रिसीव्ड। तो कंपेयर क्या करना पड़ेगा, टोटल इन्वेस्टमेंट एंड अमाउंट रिसीव्ड। तो इसी बेसिस पे हम प्रॉफिट या लॉस उसका चेक करेंगे। तो पहले लिखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स। देखो फर्स्ट क्या कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। तो टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी की है उसने, 10,200। एंड मार्केट वैल्यू कितनी है, तो देखो मार्केट वैल्यू थी उस वक्त 100 रुपीज, तो 2020 कैंसिल हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने बनेंगे, 102। तो देखो नंबर ऑफ शेयर्स हमने कैलकुलेट कर लिए, नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स बने हमारे 102। देन अब हमारे पास तो सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, ब्रोकरेज ऑन टोटल इन्वेस्टमेंट। तो उसने सिर्फ 10,200 रुपीज नहीं भरे होंगे, उस पर भी ब्रोकरेज उसको चार्ज हुआ होगा श्रीमती मीता को। तो देखो ब्रोकरेज ऑन टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट, तो देखो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है हमारा, 10,200। तो 0.1% का ब्रोकरेज लग रहा है हमारा, 0.1% ऑफ 10,200 रुपीज, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले रुपीज। तो 0.1% मतलब 0.1 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 10,200, तो 2020 कैंसिल हो जाएंगे। देन अब क्या, 0.1 इनटू 102, तो कैलकुलेशन सिंपल है, एक पॉइंट यहां लगा दो तो 10.2 रुपीज। तो 10,200 पे 10.2 रुपीज का उसको ब्रोकरेज चार्ज करना पड़ा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट, अब टोटल इन्वेस्टमेंट विथ ब्रोकरेज कितना हो जाएगा, शॉर्ट में लिखा है ब्रोकरेज, तो फर्स्ट ये इन्वेस्टेड अमाउंट प्लस उस पे लगा हुआ ब्रोकरेज, तो 10,200 प्लस 10.2 रुपीज, तो क्या हो जाएगी अमाउंट हमारी, 10,210.2 रुपीज। तो देखो श्रीमती मीता ने टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी की, ये अमाउंट प्लस ब्रोकरेज, दैट इज 10,210.2 रुपीज, ये इन्वेस्टमेंट श्रीमती मीता ने की। तो देन अब देखो हमें अब कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कितने हैं, 102 शेयर्स। तो पहले 60 शेयर्स उसने किस रेट पे बेचे थे, 126 रुपीज। तो फोर्थ पॉइंट लिखता हूं, 60 शेयर्स सोल्ड एट कितने रुपीज में बेचे, 125 रुपीज में, 125 रुपीज में। तो कितने रुपीज वापस मिलेंगे उसको अमाउंट रिसीव्ड, तो 60 इंटू सिंपली मार्केट वैल्यू दैट इज 125 रुपीज। तो कैलकुलेशन कर लो, 125 इंटू क्या करना पड़ेगा, 125 इंटू 60 दैट इज 7,500 रुपीज। तो देखो अब 60 शेयर उसमें बेचे तब कितने मिले, 7,500 रुपए। अब बचे कितने शेयर्स, तो 102 माइनस 60 शेयर्स, तो देखते हैं रिमेनिंग शेयर्स। तो रिमेनिंग शेयर्स कितने हो जाएंगे, टोटल शेयर्स माइनस ये पहले 60 शेयर्स बेचे थे, तो 102 माइनस 60 शेयर्स कितने बचेंगे हमारे पास, टोटल अब 42 शेयर्स बचेंगे। अब ये 42 शेयर्स उसने किस दाम पे बेचे, 90 रुपीज पे। तो 42 शेयर्स सोल्ड एट 90 रुपीज। तो देखो 90 रुपीज में वो शेयर्स उसने बेच दिए, तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू दैट इज 90 रुपीज। तो 42 इंटू 90 क्या बनेगा, 3780 रुपीज। तो पहले तो उसने 60 शेयर्स बेचे तब 7,500 रुपए मिले, देन 42 शेयर्स बेचे तो कितने मिले, 3780 रुपीज। अब टोटल अमाउंट रिसीव्ड क्या करना पड़ेगा, सिंपली ये दोनों का एडिशन। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड, तो टोटल
102 शेयर्स बेचने के बाद कितने अमाउंट मिले उसको, टोटल अमाउंट रिसीव्ड। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड क्या बनेगी, 7500 प्लस सॉरी 3780 रुपीज। तो कैलकुलेशन कर लो क्या हो जाएगा, 7500 प्लस 3780 इज इक्वल टू, एडिशन कर दो, 11280 रुपीज बनेगा। तो देखो अब मिस श्रीमती स्मिता ने कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की थी, पहले तो देखो 10,210.2 रुपीज, एंड टोटल अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग दो शेयर्स कितनी मिली, 11,280। तो देखो टोटल इन्वेस्टमेंट कम है, अमाउंट मिलने वाली ज्यादा है, मतलब उसको क्या हुआ, प्रॉफिट। तो पहले तो ये नोट डाउन कर लो, ये पार्ट में रब करने वाला हूं, तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अब हमारी इस अमाउंट पे पहले तो ब्रोकरेज लगाना पड़ेगा, कौन से अमाउंट पे, टोटल अमाउंट रिसीव्ड पे, क्योंकि वो भी एक ट्रेडिंग चेन का हिस्सा है। अब जब मैंने आपको थ्योरी पार्ट में सिखाया था, जब आप इन्वेस्ट करते हो, शेयर लेते हो, तो उस पे ब्रोकरेज ऐड होता है, एंड जब वही शेयर्स बेच के आपको मनी रिटर्न आता है तो वही ब्रोकरेज उसमें से सब्सट्रैक्ट होता है। तो 0.1% ऑफ ब्रोकरेज ऑन विच अमाउंट, दिस अमाउंट ब्रोकरेज ऑन 11,280 रुपीज। तो कैलकुलेशन कर दो, 0.1/100 इंटू 11,280 रुपीज। तो 0.1% ऑफ दिस अमाउंट क्या बनेगा, 11.28 रुपीज। तो देखो ये ब्रोकरेज चार्ज हमें टोटल अमाउंट रिसीव्ड से माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल ये फाइनल, अब ये फाइनल अमाउंट जो रिसीव हो गया हमें ब्रोकरेज काट के, वो कितनी हो जाएगी, ब्रोकरेज अमाउंट रिसीव्ड, रिसीव्ड इज इक्वल टू टोटल अमाउंट, ये बन रही थी हमारी 11,280 माइनस ब्रोकरेज क्या सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, दैट इज 11.28। तो 11,280 माइनस 11.28 क्या बनेगा, 11,268.72। तो देखो हमारी जो पहले जिसने श्रीमती मीता ने जो अमाउंट उसमें मतलब शेयर्स खरीदते वक्त जो अमाउंट लगाई थी वो कितनी थी, विथ ब्रोकरेज 10,210.20 रुपीज, ये उसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट थी। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम है पर रिटर्न उसको ज्यादा मिल रहा है, मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो श्रीमती मीता बुक्ड प्रॉफिट, ये सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा। देन कितना प्रॉफिट, तो हाउ मच, मतलब डायरेक्टली प्रॉफिट अमाउंट लिखता हूं, तो प्रॉफिट अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली टोटल अमाउंट रिसीव्ड माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट। तो अमाउंट रिसीव्ड शॉर्ट में लिखता हूं, जगह कम है, अमाउंट रिसीव्ड माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट, तो देखो अमाउंट रिसीव्ड कितनी है, 11,268.72 रुपीज। देन माइनस टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड कितनी है, 10,210.20 रुपीज। तो कर लो कैलकुलेशन, इनकी सब्सट्रैक्शन करोगे तो क्या मिलेगा, 58.52 रुपीज। तो प्रॉफिट कितना बन रहा है हमारा, 1058.52 रुपीज। तो लास्टली हमें सेंटेंस में लिखना पड़ेगा, श्रीमती मीता मेड प्रॉफिट ऑफ 1058.52 रुपीज। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल जो 11, ये कितना था, प्रॉब्लम नंबर 6 था, तो बचे हमारे 7, 8, 9, 10 एंड 11। ये सारे प्रॉब्लम्स नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। तो चलो तब तक के लिए थैंक यू। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।